कौन कौन सी टेक्निक होती है बैग्स का यूज करने की, और क्या क्या इसकी जो मॉडलिटीज हैं, क्या क्या इसके पार्ट यूज हो रहे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो आप बने रहिए आप हमारे चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ हीटिंग मॉडलिटीज यूज ट्रीटमेंट पर्पज ऑफ फिजियोथेरेपी। एक हीटिंग मॉडलिटीज होती है, यानी कि किसी भी एरिया पे हम जहाँ इसे यूज़ करते हैं वहाँ पे हीट प्रोवाइड करती है। जहाँ भी पेन हो रहा है, कोई जैसे कोई भी ज्वाइंट स्टिफनेस हो गई, ज्वाइंट हमारा मूव नहीं कर पा रहा है, जैसे कि हमारा ये ज्वाइंट हो गया, ये हमारा मूव नहीं कर पा रहा है, इसमें स्टिफनेस रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, तो हम इस एरिया पे हम पैराफिन बैक्स बहुत का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये रिस्ट्रिक्शन इस ज्वाइंट पे हो रहा है, ये जो मूव नहीं होने दे रहा, उससे रिस्ट्रिक्शन को कम करेगा और उस एरिया को मूव कराने में हेल्प करता है, इसलिए हम बैक पैराफिन बैक्स का यूज़ करते हैं। सो सेकंड पॉइंट है डीप हीट थेरेपी। एक हमारी जो होती है वो डीप हीट थेरेपी होती है, यानी कि जो स्किन को डीप हीटिंग प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारी जो स्किन को ये ऐसे कोई 2 सेंटीमीटर के समथिंग डीप पेनिट्रेट होती है। डीप 2 सेंटीमीटर हमारी हीट को ये प्रोवाइड हीटेड करती है, जिससे उस एरिया पे जो भी स्वेलिंग है, जो भी पेन है, वो कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसकी लो थर्मल यानी कि जो हमारी स्किन होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, वो जैसे कि हमारे सपोज करते हैं हमारे हैंड पे, यहाँ पे हमने जो पैराफिन वैक्स बात का यूज़ किया, यानी कि कोई एक बार ट्यूब रखा है, हमने वैक्स अपने हाथ को डिप करके रखा, तो यहाँ पे लेयर बन जाती है वैक्स की। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट लेयर, जो हमारी जो पैराफिन वैक्स है, जो हमारी स्किन है, स्किन की सुपरफिशियली जो फर्स्ट लेयर है, वो क्या होती है, सेल्फ इंसुलेटिंग होती है। सेल्फ इंसुलेटिंग होती है तो ये हमारी हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर को ये ट्रांसफर करती है, तो वो भी इंसुलेटर का काम करती है, जिससे ये एक कंडक्टिविटी से एक हीट को ट्रांसफर करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ वाइट एंड कलरलेस सॉफ्ट सॉलिड वैक्स। ये क्या होती है, वाइट कलर की होती है, या कलरलेस भी हो सकती है, सॉफ्ट होती है और थोड़ा थोड़ा सॉलिड होती है। मीन्स हम इसे सॉलिड वैक्स का जो हम किसी रिपेयर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमने किसी एरिया पे यूज़ किया है, उसके बाद हम किसी दूसरे पेशेंट को भी वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है और ये 2-3 बार हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसको यूज़ करते रहे हमें देखना होता है कि कोई भी पेशेंट है, उसके कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है, स्किन एलर्जी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम किसी दूसरे पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करेंगे, एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसे यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बैक्स इज 51 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसका जो हम टेम्परेचर देते हैं 54 की समथिंग हम जब टेम्परेचर देंगे, तब ये जो हमारी बैग्स है ये तो मेल्ट होने लगती है, मेल्ट होगी मेल्ट, क्योंकि हम ये सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म से हमें इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 54 की समथिंग देना पड़ता है। सपोज करते हैं जो हमारे कि हमने इस एरिया पे बैग्स का यूज़ किया हुआ है, इस एरिया पे हम जब बैग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो 54 टेम्परेचर है उसका, तो ये इस एरिया को ये बर्न कर सकता है, बर्न हो जाएगी यहाँ पे, तो और प्रॉब्लम जो होंगी वो क्रिटिकल हो जाएंगी, कंडीशन बिगड़ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इस बैग्स का जो टेम्परेचर है उसे कम करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड हो जाएंगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और वो हमें बर्न नहीं करेगी हमारी स्किन को। इम्प्योरिटी वजह से हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पैराफिन है, ये सॉलिड है, हम लिक्विड पैराफिन को इम्प्योरिटी में ऐड कर लेते हैं, हम मिनरल्स ऑयल को यूज़ कर लेते हैं, जो भी सब्जियों में डालते हैं हम लोग वो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे तो ग्लिसरीन का भी हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या, जब ये इम्प्योरिटीज अब ऐड हो जाएंगी हमारे बैग्स में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अपने आप कम हो जाएगा और जो इसकी हीट है
वो बहुत लो हो जाएगी और पेशेंट आराम से इसे टॉलरेट कर लेगा इस हीट को, और ये बहुत बेटर एक ट्रीटमेंट होगा और बेटर फील होगा उस एरिया पे पेशेंट को। और इसका जो टेम्परेचर होता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि सेम टेम्परेचर का हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिससे कि हमारे जो पैराफिन वैक्स का है वो जो टेम्परेचर वो कम हो जाए, तो उसका जो रेशियो हो जाता है वो ऐसे ही कोई अगर 7:3:1 मीन्स जो हमने पैराफिन वैक्स का जो यूज़ किया है वो 7:3 और 3 हमने इसमें इम्प्योरिटीज वही ऐड की हुई है लिक्विड का लिक्विड फॉर्म, एंड 1% जो हमने 1% यूज़ किया है वो हमने मिनरल ऑयल यूज़ कर लिया। ओके, इसका रेशियो आता है पेशेंट आराम से इसे टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक, क्या क्या पैराफिन के करेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है लो थर्मल कंडक्टिविटी, मीन्स जो भी हम हीट का यूज़ कर रहे हैं पैराफिन बैग्स का उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कम होने की वजह से जैसे कि हमने स्किन पे अप्लाई की है, जिस एरिया पे अप्लाई की है, तो वो बहुत लो आराम आराम से ट्रांसफ़र होगी, इससे हीट के जो चांस बर्निंग के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एंड ये खुद सेल्फ इंसुलेटिंग होती है, जो हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है तो वो इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, एंड फिर जो उसकी नेक्स्ट लेयर होती है वो इंसुलेट करती है हीट को, जिससे कि हमारे जो टिश्यूज हैं उस एरिया पे, जिस एरिया पे स्टिफनेस जॉइंट की हुई है, मोबिलिटी बहुत कम है, उस एरिया तक हीट को सप्लाई करती है, पहुँचाती है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्लोली होती है, रैपिड हीट फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा मेनली यूज़ कर सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी लैब में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, नॉर्मली हम इसे यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को टॉलरेट भी इसे हीट को कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ पैराफिन यूनिट, क्या क्या यूनिट के पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट है कंटेनर। कंटेनर जो होता है इसका हम ये जो होता है एक लाइक इस टाइप से इसका कुछ पैराफिन जो बेस्ट बहुत टब होता है वो इस टाइप का होता है, तो ये हमारा हो गया कंटेनर। तो ये कंटेनर जो होता है वो थोड़ा सा जो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का काम होता है इसकी जो अंदर की जो लेयर्स में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्टेट पायलट लैम्प, थर्मोस्टेट पायलट लैम्प होता है इसके अंदर ही, सबके अंदर सपोज कर लेते हैं ऐसा, तो ये क्या करता है, ये थर्मोस्टेट का जो ऑन ऑफ होता है उसे रेगुलेट करता है, तो कब ऑन करना है रेगुलेट हो जाए टेम्परेचर, उसका भी ऑफ हो जाता है अपने आप, ऑन ऑफ होता है ऐसे। और पावर पैलेट लैम्प होता है, इसका यूज़ करते हैं हम जो पावर स्विच से हमने इसे कनेक्ट करके रखा उसे ऑन ऑफ करने के लिए। एंड लिड कवर कंटेनर होता है, इसे क्या करते हैं इसमें जो हमारी बैग्स जो मेल्ट होने के लिए इधर उधर हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंदर। तो ये हो गया हमारे पैराफिन बैग्स के यूनिट। अब जब ये सारी चीज़ें हमारे यूनिट में है और हमने इसमें ऊपर से हमने बैग्स को डाल दिया है, बैग्स थोड़ा सॉलिडिफाई बैग्स है, तो इसलिए हमें इसे लिक्विड में ट्रांसफ़र कर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए ऑन तो ऑन कर देंगे, जिससे हमारे जो बैग्स है वो 50-54 के टेम्परेचर पर मेल्ट होने लगेगी, ये जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तो हम इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी को डाल देंगे, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और पेशेंट उसे टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं केयर ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या हमें केयरिंग करनी है जब भी हम ये प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे जिस भी एरिया को हमें इमर्स करना है, जिस एरिया पे बैग्स का हमें यूज़ करना है, उस एरिया को सबसे पहले हमें क्लीन करना है। नेक्स्ट जो यूनिट है जिसमें हम पैराफिन वैक्स ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, उस यूनिट को हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए,
एंड जो भी उसमें पहले से ही बैग्स प्रेजेंट है उसे रिमूव कर देना चाहिए यूनिट से। और हम जब इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं उसके बाद भी हमें बैग्स को रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूव स्लेट फ्रॉम बॉटम एंड क्लीन। और जो हमारी जो बैग्स होती है थोड़ी बहुत हमारी से जो यूनिट है उसे बॉटम में जो प्रेजेंट होती है उसे भी हमें टेम्परेचर दे के हीट दे के मेल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देना चाहिए। दी लैम्प बैग्स एंड ऑयल शुड बी चेंज एवरी 6 मंथ। जो हमने लैम्प बैग्स यूज़ करते हैं और जो भी ऑयल को हमने यूज़ किया हुआ है उसे हमें 6 मंथ में हमेशा उसे चेंज करते रहना चाहिए। 6 मंथ में जो भी बैग्स होती है वो उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमें पुराना बैग्स को यूज़ नहीं करना है। और जो भी यूनिट है उसे क्लीन करते रहना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम टेक्निक्स एंड क्या क्या इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।